थाम थाम नहीं नहीं, आमदारों को उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 500-500 करोड़ रुपए दिए और आमदारों ने वो सब काम मैनेज करके पैसे कमाए, रोड के लिए, नाली के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो सत्ताधारी आमदारों को दिया, विरोधी आमदारों को कुछ नहीं दिया, वो तो स्टे लगा दिया। लेकिन सर, अब ये पैसा मिलने के बाद तुम अगर 500 करोड़ उनके लिए दे रहे हो, तुमको 400 करोड़ देकर 100 करोड़ वहां से निकाल के ये मेडिकल एड के लिए देते या इनको हॉस्पिटल को देते तो इन लोगों की जान बचती, इन लोगों को ये जान गंवाने की मुसीबत नहीं आती। लेकिन सर, एक सवाल ये भी है कि जो मेडिसिन है गवर्नमेंट के जो रेट्स है वो दुगने हैं मार्केट से, यानी अगर सरकारी हॉस्पिटल चलाना है तो उसको जो है जो मेडिसिन परचेस करना है वो दुगने रेट में खरीदनी पड़ेगी। नहीं, यही तो हुआ ना, देखो हैपकिन ये गवर्नमेंट संस्था थी, हैपकिन की तरफ दिया गया, हैपकिन ने कोई प्रोक्योरमेंट नहीं किया, पैसे उनको देते जाते थे, वो पैसे दबा के बैठ जाते थे। बाद में उन्होंने एक प्राधिकरण किया जो सेक्रेटरी होगा, उन्होंने उनके एक कमेटी बनाई कि ये इनके माध्यम से मेडिसिन परचेस किया जाए, उन्होंने भी 8 महीने से कुछ नहीं किया। अब करेंगे क्या? तो समय पे जो मेडिसिन लगती है, और आज तो मेडिसिन में मार्जिन भी उतनी है, 40-50%, हर कोई मेडिकल शॉप वही करता है जो प्रिंटेड आता है, वो उसमें बहुत अलग विषय है, उसके बारे में अपन से अलग बात करेंगे। क्या देखे और क्या दिन भर से आप दौरा कर रहे हैं और क्या देखने में आया और क्या सरकार की तरफ? नहीं, देखिए, मैं नांदेड़ भी गया था, अभी यहाँ संभाजी नगर आया हूँ। ये दोनों शहर के मेडिकल हॉस्पिटल को देखने के बाद इनके तरफ सरकार का ध्यान नहीं, यहाँ पे काफी वैकेंस पोस्ट बड़े पैमाने में 50% से प्लस ज्यादा वैकेंस हुए। मेडिसिन का बहुत, उसके लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, उसकी कमी है, मैन पावर की कमी है, सुरक्षा की कमी है, स्वच्छता की कमी है। ये क्यों हो तो उसके लिए मैन पावर नहीं है। आज ये अगर बढ़ता पॉपुलेशन को देखते हुए चांचन बेड से ज़्यादा डबल अगर वहाँ पे लोड है तो उस मात्रा में उसका कैलकुलेशन करके सरकार ने फंड्स उपलब्ध करनी चाहिए। जैसा कि अभी औरंगाबाद यहाँ पे हूँ संभाजी नगर में, तो संभाजी नगर में 26 करोड़ की है मेडिकल कॉलेज ने, मेडिकल हॉस्पिटल ने डिमांड की थी, मिला कितना? तो 10 करोड़ सैंक्शन हुआ। 10 करोड़ सैंक्शन होने के बाद में अभी तक कितना मिला? तो केवल 4.5 करोड़ मिला, 2.5 करोड़ रुपये डिप्टी से मिलने वाले थे, वो अपने 5 करोड़, वो अभी तक नहीं मिले। तो ये सब जो परिस्थिति है, मेडिसिन पेशेंट को जब क्रिटिकल पेशेंट होता है, सीरियस पेशेंट होता है, तो उसके लिए तुरंत वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होना चाहिए, वो नहीं हो रही है, उपलब्ध नहीं है। ये सब स्थिति सरकार की जो इस तरह ये हॉस्पिटल हो या मेडिकल एजुकेशन हो, इनके तरफ देखने का जो उनका दृष्टिकोण है या उनका देखने का जरिया है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए आज लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये ना सीएम है ना डीसीएम है। आज आप परिस्थिति देखते हैं कि डीसीएम को कैबिनेट में जाने के लिए उनकी तबीयत बिगड़ती है, और पालक मंत्री नहीं मिल रहा है करके तुरंत मीटिंग मिलने के मीटिंग की बात आती है तब वो तंदुरुस्त होते हैं। इन लोगों को हॉस्पिटल में जाकर इतना लोगों की, इतने लोगों की, सारे लोगों को जान गंवानी पड़ रही, तो इनको विजिट करने के लिए समय नहीं मिल रहा, और दिल्ली का बुलावा आया तो तुरंत भाग जाते हैं। तो लोगों की जान की, जान का महत्व इनको नहीं है, इनको केवल राजनीति, कुर्सी, सत्ता, इनके लिए तोड़ फोड़ के कुर्सी को बैठने का काम, कुर्सी को उगाने का काम यही चल रहा है। ये राज्य में सरकार है या क्या नहीं, ये जो सवाल है, तो इसके लिए ये अस्तित्व में ही नहीं है सरकार, और ऐसे सरकार की यहाँ पे जरूरत है क्या? जो टेंडरबाज सरकार है, कमीशन, जो कमीशनखोर सरकार है, जो 20% के नीचे कमीशन लेती ही नहीं है हर टेंडर में। अभी तो मराठवाड़ा में ये आंकड़ा बढ़ गया है, ये 35 तक गया है, 35% दो, काम लो, माल कमाओ, माल लगाओ, माल सुताओ, यही काम चल रहा है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है। आपको भी पता है,
सर कितने पोस्ट खाली